सिख धर्म में ये माना जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो कहीं ना कहीं फिर जन्म लेगा, क्या इस्लाम इसको मानती है? नहीं, कहीं ना कहीं नहीं, सिर्फ एक जगह लेंगे, आखिरी नेक्स्ट जिंदगी। और यही सही मानों में वेद में लिखा है, पुनर्जन्म नेक्स्ट जिंदगी। कहीं ना कहीं यहाँ पैदा हुआ, अमेरिका में करेंगे, बिल्कुल किधर भी वेद में नहीं लिखा है, वेद में कहीं नहीं लिखा है, ये पंडितों ने अपनी तरफ से पेश किया है। पुनर्जन्म जो कुरान में है और वेद में है उसके मानी नेक्स्ट लाइफ, ये हम मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ लेंगे नहीं, एक ही जगह आखिरत में। और क्योंकि साइंटिफिकली ये लोग जो कहते संस्कारा, क्या आप अच्छे काम करेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे, अच्छे काम करेंगे तो अगले जन्म में आप इंसान बनेंगे, बराबर के ना? स्वर्ग में जाएंगे तो, स्वर्ग में जाएंगे तो आने की जरूरत क्या फिर? स्वर्ग में रहना अच्छा ना, धरती पे क्यों आएंगे फिर? कुछ मतलब में स्वर्ग में जाके फिर वापस आते? अगर स्वर्ग में जाके इनाम मिल गया तो यहाँ वापस क्या आते? अगर नर्क में गए तो वापस यहाँ जिंदगी में आके फायदा क्या? अगर आपको सजा मिल गई तो यहाँ फिर आप आके क्यों कुत्ता बिल्ली बनते? अगर आप देखेंगे आज दुनिया में क्राइम बढ़ रहा है क्या घट रहा है? बढ़ रहा है। आप मानते ना? मैं भी मानता हूँ। ये जो फिलोसफी संस्कार की, अगर बुरे काम करेगा इंसान तो अगले इसमें वो बनेगा लेस, अच्छे काम करेगा तो बनेगा इंसान। क्राइम जब बढ़ रही है, इंसान की तादाद बढ़ रही है क्या घट रही है? मेरे समझ से तो घटनी चाहिए, लेकिन नहीं घट रही है, उसका मतलब लॉजिक गलत है ना आपकी? जी हाँ, बराबर। तो ये लॉजिक है ना, आप मान गए तो कबूल करो। अभी जो पुनर्जन्म है वेद में, सिखिज्म में, इस्लाम में यक्षा है, क्या अगले बार जिएंगे? एक बार मरेंगे, अगली बार आपका हिसाब किताब होगा, डे ऑफ जजमेंट। और फिर आप हिसाब किताब के हिसाब से जैसे आपने अमाल किए, जैसे आपने कर्म किए इस दुनिया में, उस तरीके से आप स्वर्ग या नरक में जाएंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।